नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूँ शिवराज सिंह। भारत और वेस्ट इंडीज के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज खेली जा रही है। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रविवार को खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच में दीपक हुड्डा को डेब्यू का मौका मिला। उन्हें बतौर ऑलराउंडर प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, लेकिन उनसे एक ओवर भी गेंदबाजी नहीं करवाई गई। टीम मैनेजमेंट के इस फैसले पर पूर्व क्रिकेटर और कमेंटेटर आकाश चोपड़ा ने हैरानी जताई है। उन्होंने कहा है कि इस तरह से भारतीय टीम को कभी भी ऑलराउंडर नहीं मिल पाएगा। बता दें कि फिटनेस के चलते टीम इंडिया से बाहर चल रहे स्टार खिलाड़ी हार्दिक पांड्या की जगह टीम इंडिया को एक पेस बॉलर ऑलराउंडर की तलाश है। दक्षिण अफ्रीका दौरे पर वेंकटेश अय्यर को डेब्यू कराया गया, लेकिन उनसे भी एक ओवर गेंदबाजी नहीं करवाई गई। अब दीपक हुड्डा के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ है। आकाश चोपड़ा ने ट्विटर पर लिखा, पहले वेंकटेश अय्यर और अब हुड्डा, इस तरह से ऑलराउंडर बनाना नामुमकिन सा है। अगर उन्हें गेंदबाजी करने का मौका ही नहीं मिलेगा, या शायद सिलेक्टर्स खिलाड़ियों को ऑलराउंडर के तौर पर चुनते हैं लेकिन टीम मैनेजमेंट को इन खिलाड़ियों की गेंदबाजी पर बहुत कम या फिर एकदम ही भरोसा नहीं है। बता दें कि वेस्टइंडीज के खिलाफ खेले गए सीरीज के पहले वनडे मैच में टीम इंडिया ने 6 विकेट की आसान जीत दर्ज की। भारतीय गेंदबाजों ने विंडीज टीम को 176 रनों पर ऑल आउट कर दिया। इसके बाद लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 28 ओवर में 178 रन बनाकर मैच जीत लिया। रोहित शर्मा ने 60 रनों की अर्धशतकीय पारी खेली, जबकि सूर्य कुमार यादव 34 रन और दीपक हुड्डा 26 रन बनाकर नाबाद लौटे। वहीं गेंदबाजी में युजवेंद्र चहल ने 4 और वाशिंगटन सुंदर ने 3 विकेट चटकाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।